एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यानी इसको 60 में बोले तो AOI ऑफ कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, आपका कर्व दे रखा है y² = 16x एंड 2x² + y² = 4। सो इनके बीच का एंगल क्या है, फटाफट सॉल्यूशन पे बात करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे। तो जरा सा पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने आपको बताया कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए, उसको निकालने के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 16x रख देते हैं, आपका हो जाएगा x² + 8x और ये 2 इधर लेके आ गया तो 0 हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां से दिख रहा है कि x की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सीधाचार्य लगाना पड़ेगा तो ये कठिन हो जाएगा, तो क्या करें, उसको बचा ले, उससे बचाने का मतलब एक बार चेक कर ले, मैंने कहा था कि एक बार जरूर चेक कर ले, m1 × m2 = -1 यानी m1 हो जाएगा dy/dx ऑफ कर्व 1। इसके लिए आपका कर्व 1 जो है वो है y² = 16x, तो यहां से हो गया 2y dy/dx ऑफ ये कर्व 1 का है = 16, तो m1 की वैल्यू आ गई आपकी dy/dx ऑफ कर्व 1 = 16/2y यानी 8y। ठीक है, चलेगा, इतना इतना बच्चों चलेगा। दूसरा m2 जरा निकालो, तो M2 यानी कर्व 2 जो है, यहां लिखते हैं जो कर्व 2 है वो है यहाँ पे 2x² + y² = 4, यहाँ पे है यानी ये आपका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में 2y dy/dx, चूंकि ये कर्व 2 की बात है तो ये हो गया 0, तो dy/dx ऑफ कर्व 2 जिसको कि हम M2 भी कह रहे हैं, m2 = हो जाएगा ये -4x/2y यानी -2x/y। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जरा देखो तो m1 × m2 निकाला यानी 8y (-2x/y) कितना हो गया, जरा देखो तो -16x/y² और x और y कहने का मतलब है जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां x और y दोनों का सेम होता है, एक ही होता है, इसलिए मल्टीप्लाई वो भी हो गया और वाई स्क्वायर की जगह पे उठा कर रख दिया हमने 16x, तो ये आपका 16x हो गया, कट गया, यानी m1 × m2 = आ गया आपका -1 और ये हमको ये बता रहा है कि दोनों कर्व्स कैसी हैं, ऑर्थोगोनल हैं, यानी एंगल क्या है इनके बीच में θ = 90 डिग्री। एक और खास बात, काम की बात नोट कर ले भाई, बता देते हैं, बड़ा ही आपको फंसा देता है ऐसे कि देखो एक ये है एक ये है, नहीं पहला ये नहीं लिखता हूं, पहला मैं ऐसे लिखता हूं, देखो एक ये है एक ये है, ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये भी ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अगर एक ये है और एक ये है, ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला ऑब्वियसली 90 होगा, ये वाला भी एंगल अगर 90 है तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे। ठीक है, अगर ये एक है और एक ये है, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल थीटा है कुछ और है तो ये नॉट ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ध्यान रहे। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो अपन लोग इसको ऑप्शन में कभी रहे, बेंस में तो यही सब चीजें पूछ रहा है आजकल, ये आपका है ये आपका, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं आइसोगोनल, ये ध्यान रहे, इसका नाम होता है आइसोगोनल। तो मेंस में इसी इन्हीं सब बातों पे आपसे ध्यान दिलवाता है, पूछवाता है सवाल। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल मैं फटाफट आपके सामने लिख देता हूं। सवाल जब सपोज ऐसा है कि If y² = 16 and x² / a² if angle of intersection AOI angle of intersection of y² = 16x and x² / a² + y² / 4 = 1 are orthogonal then फाइंड ए, ए की वैल्यू क्या होगी, फटाफट निकालते हैं। आसान सवाल बच्चों में, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है ये सब सवाल। क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल दे रखा है आपका पहले ही, तो m1 × m2 = क्या हो जाएगा -1, सब बस बहुत बढ़िया। इसका वाला निकालो dy/dx ऑफ कर्व 1, पहले वाले कर्व के लिए निकालो जिसको कि हम m1 कहेंगे, इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले वाले सवाल में देखे थे 8/y आया था। ठीक है,
दूसरे वाले को सॉल्व करें, कर्व टू है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन। जरा सॉल्व करते हैं, टू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2y by 4 dy by dx is equal to 0। dy by dx आप इसी को हम कहेंगे कर्व 2 है, m2 की वैल्यू। अब जरा देखो ये निकालेंगे तो ये पूरा उधर चला गया यानी 2x by a square और ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 4 upon 2y, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4x by a square। अब क्या कहता है कि m1 into m2 बराबर m1 into m2 बराबर किसके बराबर है, m1 और m2 माइनस वन के बराबर है। चलो देखो m1 कितना है 8 अपॉन y, m2 कितना है 4x अपॉन 2a a स्क्वायर y है यहाँ पे, तो ये है 4x अपॉन a स्क्वायर y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए आई थिंक माइनस है, यहाँ देखो ये माइनस है तो माइनस 4x अपॉन a स्क्वायर, माइनस 4x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस इसको प्लस किया ऊपर में आपका हो गया 8 4 32x अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। 32x अपॉन वाई स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 16x इक्वल टू वन, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई, देखो ये इसे काटा दो टाइम काटा 2 आया, a की वैल्यू आपका हो गया प्लस माइनस रूट टू, यही आपका सिर्फ और सिर्फ यही सिंपल सा आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल, अगर सपोज ऐसे लिख दूं मैं, ये आपका ये बेसिकली ज्यादातर बोर्ड में पूछता है ऐसे सवाल बेसिकली बोर्ड में पूछता है। क्या सवाल है आपका कि इफ एक्स ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड कंडीशन ए बी सी डी, ऐसे पूछता है, कई बार आपको सीधे प्रूव करने के लिए देता है कि देन फाइंड कंडीशन ऑन ए वन बी वन ए टू बी टू, इसको कई बार प्रूव करने के लिए देता है कि 1 बाई बी वन माइनस 1 बाई बी टू डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 बाई ए वन माइनस 1 बाई ए टू, ऐसे भी दे देता है, पर हमने शायद सीधे पूछा है कंडीशन आपको निकालनी है। तो देखो दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर्व वन मैंने ले लिया, क्या है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, डिफ्रेंशिएट करो क्या है अपने पास 2a1x प्लस 2b1y dy by dx is equal to 0। यहीं से dy by dx of curve 1 है जिसको कि हम कहेंगे ये m1, अभी तक तो पता चल गया होगा कि ये m1 कहलाएगा, ठीक है ये m1 है। अब यहां से क्या हो गया जरा देखो तो माइनस 2 से 2 कट चुका है a1x upon b1y साबस, ठीक है। दूसरे वाले कर्व को भी जो कर्व 2 है, यहां जो C2 कर्व है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यहां से M2 निकालेंगे तो सिमिलर दोनों कर्व है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 डायरेक्ट लिखा जा सकता है, क्या यहीं से देखो ना इसका वाला ए टू एक्स अपॉन बी टू वाई, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 into m2 is equal to माइनस होना चाहिए क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखा है, ऑर्थोगोनल दे रखा है, क्या हो जाएगा भाई m1 के जगह पे माइनस ए वन बाई बी वन एक्स बाई वाई इंटू माइनस ए टू एक्स अपॉन बी टू वाई अपॉन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी ये तो आपका माइनस का माइनस ही रह गया, ये हो गया ए वन ए टू अपॉन बी वन बी टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, बहुत बढ़िया। क्या इससे सर आंसर आ गया, नहीं कहां आंसर आया, अभी तो x और y है ही, b1 b2 में कुछ रिलेशन तो आया है पर अभी x और y तो है ये है, तो x और y को निकालना पड़ेगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तो जरा सॉल्व किया जाए ए वन एक्स स्क्वायर बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन घटा दिया, माइनस 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 कट गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ए वन माइनस ए टू प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर
बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू जीरो। जरा देखो तो क्या यहां से वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या माइनस ए वन माइनस ए टू अपॉन बी वन माइनस बी टू आ रही है क्या? देखो तो बच्चों, क्या देखो तो ये पूरा को उधर लेके गया तो x को इधर लेके डिवाइड कर दिया, b1 माइनस b2 यहां पे डिवाइड कर दिया। तो अब चलो अपना वाला ये वाला सवाल क्या बन गया भाई, ये सवाल क्या बन गया, a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2। यहां से देखो इसको इधर लेके गया इसको इधर लेके आया, ये हो गया b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2, ए वन माइनस ए टू अपॉन ए वन ए टू। अब इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा जरा देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या कंडीशन निकल के आ जाएगी। कंडीशन आपकी हो गई, देखो बच्चों कंडीशन हो गया यहां से क्लियरली दिख रहा है, उसको डिवाइड किया तो बी वन से बी वन कट गया, वन अपॉन बी टू माइनस वन अपॉन बी वन इक्वल टू वन अपॉन ए टू माइनस वन अपॉन ए वन, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? यही नहीं, सवाल को थोड़ा सा बदल सकता है, बहुत हल्का सा बदल सकता है। क्या बदल देगा, आओ मैं सवाल को बदल के दिखाता हूँ कि क्या बदल देगा आपका। तब उसके बाद से ये सब चीजें खत्म करके हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल पे। मान लो सवाल ऐसे बदल दिया, सवाल ऐसे बदल दिया कि एफ एफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड कंडीशन ऑन ए बी एल एम। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, इतना ही सारा काम करना है, फिर से इतना ही सारा काम करके ले आना है आपका आंसर इस बार एल एम एबीसी में आएगा। पर हम इस बार चूंकि इस सवाल के जस्ट बाद मैं करा रहा हूं तो इस रिजल्ट का यूज करूंगा, कुछ उसी के लॉजिक की तरह सोचूंगा और रिजल्ट का यूज करूंगा। क्योंकि जरा प्रीवियस सवाल की तरह देखें, पिछले सवाल से देखें, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, अगर पिछले क्वेश्चन से कुछ सीख लें तो पिछले क्वेश्चन में था ए वन की जगह पे है वन बाई ए स्क्वायर, बी वन की जगह पे है वन बाई बी स्क्वायर और ए टू के जगह पे है वन बाई एल स्क्वायर, बी टू के जगह पे है माइनस वन बाई एम स्क्वायर। ठीक है, अपने पास कंडीशन क्या निकल के आया है, कंडीशन क्या है, वन बाई बी वन माइनस वन बाई बी टू। बोलोगे सर ये कहां आया था, वो तो उल्टा आया था। तो सर बेटा दोनों तरफ से मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, ये आया था वन बाई बी वन के जगह पे, देखो क्या रखा हमने, वन बाई बी वन के जगह पे वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन बाई बी टू के जगह पे माइनस माइनस प्लस वन बाई एम स्क्वायर हो गया, वन बाई ए वन के जगह पे वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए टू की जगह पे वन बाई एल स्क्वायर। देखो तो क्या ये बी स्क्वायर ऊपर उड़ के चला गया, प्लस एम स्क्वायर ऊपर उड़ के चला गया, ए स्क्वायर ऊपर उड़ के चला गया, माइनस एल स्क्वायर ऊपर उड़ के चला गया, ये इधर आया इसको उधर लेके गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका कंडीशन आ गया, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका प्रूफ करने के लिए देगा। इस तरह के सवाल है। पर सर क्या हम ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, करना पूरा ऐसे है, इस पूरे मेथड से करते करते जाना है पूरा ऐसे ही कि पॉइंट दोनों का डीवाई बाई डी एक्स एम वन, फिर एम टू निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आएगा, उस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को उन दोनों को घटा देना है, घटा के आपको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर निकालना है, फिर वैल्यू उठा के पुट करना है, फाइनल आंसर आपका यह आएगा। आप बनाना बिल्कुल डेफिनेटली यही आएगा आंसर, यह आएगा। हम तो इसको यहाँ पे बस यूज कर लिए हैं, बात समझ आ रही है। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सबका लंबाई निकालेंगे। आ जाओ बच्चों, तो अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे भाई अपन लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हार्ड, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। ये ऐसी चीज है ना कि इसका फॉर्मूला लोगों से याद ही नहीं रहता है, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, सब नॉर्मल।
और ये सब नॉर्मल तो ऐसी बात है कि आपका आईआईटी ने एक बार अरे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था यार, सब नॉर्मल। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले फिगर बनाऊंगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा फिगर बनाऊंगा और उसमें चीजें आपको बता दूंगा कि क्या इलेबोरेट कर दूंगा कि किसको क्या कहते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये कोई आपका फंक्शन हो गया, कोई ये मान लो फंक्शन हो गया, इसका कोई ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज कि एक्स वन कामा वाई वन हो गया, तो ये वाली जो भी ये आपका जो खींचा जा रहा है ना, ये आपका टेंजेंट कहलाता है, ये आपका है टेंजेंट, यही आपका टेंजेंट है, और इसी पे परपेंडिकुलर जो खींचा जाएगा यही आपका नॉर्मल है। ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल है, और ये जो आपका यहां से लेके यहां तक दो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो फंक्शन छुप गया कहीं, फंक्शन ये था, ये फंक्शन था, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो यहां से यहां तक यानी जब ये जो नॉर्मल है तो जिस पॉइंट पे खींची गई है उस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है उसको, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका नाम होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। यही से यहीं तक इसका लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर अगर मैं ये पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट आपका इस पॉइंट जिस पॉइंट पे खींची गई है इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वन कामा वाई वन है, तो आप मुझे ये बताने वाले हो कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपका क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहां पहुंचने के लिए ये आपका अगर जीरो कामा जीरो है ना, ये जीरो कामा जीरो है, तो यहां से यहां तक एक्स वन चला होगा और यहां से यहां तक वाई वन चला होगा। ध्यान रखो, यहां से यहां तक x1 चला होगा और यहां से यहां तक y1 चला होगा, तो ये वाली लंबाई आपकी हो गई y1। अच्छा, दूसरा एक और नाम मुझे बताना था, मैं जरा सा इसको भी नाम से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि जो ये टेंजेंट का प्रोजेक्शन है ना x एक्सिस पे, ये होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये भाई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी टेंजेंट का प्रोजेक्शन, और जो नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है इसका नाम है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस पूरा का पूरा बात हो गई यहीं पे चारों के चारों। अब इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या चीज पता होगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल में फंक्शन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट देने से एक्स वन वाई वन पता रहेगा, अगर इन चीजों से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई अपन लोग, मतलब क्या गिवन रहेगा सवाल में, गिवन रहेगा आपका फंक्शन एफ एक्स गिवन रहेगा, पॉइंट आपका एक्स वन कामा वाई वन गिवन रहेगा। यहां से जो हम फाइंड कर सकते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। कहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लिख सकते हैं टेन थीटा भी, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट कहां पे एक्स वन कामा वाई वन पे। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड कर सकते हो एक्स वन कामा वाई वन पे। और जब आप स्लोप फाइंड कर लिया मतलब ये वाला एंगल आपने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल कितना भाई बता दो बच्चों, थीटा, ये एंगल थीटा। अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, इस एंगल को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब ध्यान से जरा देखो, अब मैंने इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूं। देखो मैं चूंकि नाम नहीं लिखा हूं इसलिए मैं बिना नाम लिखे ही बात कर ले रहा हूं, या चलो लिख ही देता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट पी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये पॉइंट सी है, इतने से मतलब है। अब मैं ट्राइंगल ए पी सी में बात कर रहा हूं। जरा बताओ, मैं यहां से लिया, हमको चाहिए यहां से y1 की लंबाई पता है तो ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। इसके लिए अगर मैं साइन थीटा ले लिया, y इज इक्वल टू, अगर मैंने साइन थीटा इसके लिए ले लिया तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा y1 अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, y1 अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और अगर मैं यहां से ले लिया, देखो यहां से मैं tan थीटा बराबर ले लिया तो y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या ले लिया,
tan थीटा इसी ट्राइंगल में ले लिया तो क्या हो जाएगा y1 वन अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब जरा देखो भाई, तो सर इससे क्या फायदा हुआ, क्या मिला अपने को, अपने को ये मिला कि देखो ये दो चीजें तो अपने को पता है, tan थीटा थीटा अपने को पता है, tan थीटा पता है। तो जरा देखो यहां से अपन लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, तो y1 वन बाई साइन थीटा लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y1 वन बाई साइन थीटा और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू y1 वन बाई टेन थीटा, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया y1 वन बाई साइन थीटा, और इसको हम लिखना पसंद करेंगे y1 वन कोसेक थीटा। एक बात पता चली, डब्बे के अंदर बंद कर दिया कि ये काम की बात पता चल गई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आ गई वैल्यू भाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की देखो y1 वन कॉट थीटा, इसको भी पता चल गया, इसको भी डब्बे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन काम नहीं चलेगा इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने पास तो dy by dx की वैल्यू पता होगी, तो अपने को इसको लिखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, जिससे कि काम अपना बनेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हम लिखेंगे कि ये आपका है y1 cosec थीटा, इसको हम लिख सकते हैं y1 cosec को लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू dy by dx है, तो पहले इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cot square थीटा, याद करो का अंडर रूट, और cot को मैं लिख सकता हूं क्या 1 plus 1 by tan square थीटा। अब फाइनली जो आया लेंथ ऑफ tangent इज इक्वल टू ना लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, अब जो फाइनली आया वो आया आपका y1, यानी क्या आया y1 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आया है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आया है भाई, ये आया है अपने पास y1 वन कॉट थीटा। सेकेंड क्या मैं लिख सकता हूं इसको y1 वन बाई टेन थीटा, और y1 वन बाई टेन थीटा को y1 वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, बस बात खत्म। ये आपका हो जाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये आपकी बात हुई। तो हमने टेंजेंट और सब टेंजेंट की वैल्यू dy वाई बाई डी एक्स के टर्म में निकाल लिया। अब जरा सा बात करने वाला हूं ट्राइंगल पी सी बी के बारे में। जरा देखो यहां पे आ जाओ, देखो तो आपका लेंथ ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करने वाला हूं, तो आपका ये हो जाएगा, ये इस ट्राइंगल के लिए पी सी बी, ठीक है, पी सी बी के ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपका पी सी बी, जरा देखो यहां पे, देखो इस ट्राइंगल में अपने को चाहिए लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो क्या क्या लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के लिए क्या लेना पड़ेगा। देखो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं लेता हूं पहला कॉस थीटा बराबर तो वाई वन अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल, और मैं टेन थीटा बराबर लेता हूं तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन वाई वन, क्या आ जाएगा, पहले मैंने लिया इसमें क्या, पहले मैंने लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई y1, क्योंकि ये इसके लिए बेस हो गया और ये इसका आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, और मैंने लिया tan थीटा, तो देखो tan थीटा बराबर लिया तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन बेस y1, यानी क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन y1, ठीक है ना, इतनी वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद फर्दर अगर हम कहें तो यहां से लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू, देखो फाइनली अब हम लिखने वाले हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू, लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आपकी हो गई y1, और cos थीटा नीचे से ऊपर चला गया sec थीटा हो गया, और sec थीटा को लिखने वाले ने लिख दिया
देखो ऐसे तो हम पहले इसको डब्बा में बंद कर देंगे क्योंकि ये काम की चीज है, याद करने के लिए ये है, लेकिन सवाल किससे बनेगा भाई, सवाल इससे नहीं बनेगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, क्योंकि हम टेन की वैल्यू जान रहे हैं कि dy बाई डी एक्स है। ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू इतना वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ठीक है, बाकी जरा सा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हटा दिया हमने, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के बारे में फटाफट में लिख देता हूं। जैसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल को अगर हम देखें तो ये तो सबसे आसान है, मतलब इसमें तो आपका जरा लिखना ही नहीं है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आया, वाई वन, देखो वाई वन टेन थीटा, क्या हो गया वाई वन टेन थीटा, इसको डब्बे में बंद कर दिया, लेकिन सवाल किससे बनेगा, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई वन डी वाई बाई डीएक्स, बस ये आपका इससे सवाल बनेगा। बात समझ में आ रही है, सवालों पे आते हैं फटाफट, जरा सवाल एक दो कर लेते हैं, जरा सा मैं इसको हटा देता हूं, सवाल कर लेते हैं। देखो सवाल है अपने पास, सवाल मैंने ये लिखा कि फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, देखो एंड सब टेंजेंट। अब देखो भाई मैं ना इतना मेहनत करने वाला आदमी नहीं हूं, थोड़ा आलसी आदमी हूं, सब टेंजेंट को एस टी लिखूंगा, सब नॉर्मल को एस एन लिखूंगा। आ रही बात समझ में, तो आपके सामने सबसे आप किसका, आप वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालने के लिए कहा है, पॉइंट अपने को नहीं दिया है लेकिन पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहला काम पॉइंट निकालना, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वन, यानी वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन। तो पॉइंट क्या आ गया भाई बच्चों, जीरो का माइनस वन। अब इस पे क्या निकालना है, जीरो का माइनस वन पे क्या निकालना है अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेन थीटा के टर्म में सब कुछ हम लोग जान रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना, देखो ये y इज इक्वल टू भी है तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन, ठीक है ना। तो क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे निकालना है भाई अपने को, जीरो का वन माइनस वन पे निकालना है, जीरो का माइनस वन पे। ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ये कहां से आया, सॉरी ये जीरो हो गया, जीरो का जीरो माइनस जीरो आपका, हाँ तो ये प्लस वन, तो आंसर हो गया कितना प्लस वन। अब जरा देखो लेंथ, अब सबका लेंथ निकालने चले हम लोग, देखो सबका लेंथ निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था भाई, क्या था y1 cosec थीटा, इसको हमने क्या लिखा था y1 अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा था y1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था 1 प्लस, जान मुझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो y1, y1 की वैल्यू कितना है भाई, आप जरा देखो तो x1 y1 यही तो आपका x1 y1 है, पॉइंट है तो माइनस वन है, तो चूंकि लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो माइनस वन का मॉड ले लेंगे, माइनस वन अंडर रूट वन प्लस वन बाई वन, यानी आपका आंसर हो जाएगा रूट टू। क्या हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या हो गया रूट टू, ठीक है। जरा आगे बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बारे में, निकाल लेते हैं फटाफट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं। दूसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, हमने अभी निकाला होगा वाई वन कॉट थीटा, यानी वाई वन बाई टेन थीटा, मतलब वाई वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, और y1 की वैल्यू आपकी थी माइनस वन अपॉन वन का मॉड ले लेंगे क्योंकि लेंथ के बारे में बात है, तो
ये हो जाएगा वन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल कितना है भाई लेंथ, सॉरी नॉर्मल, नॉर्मल पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं फिर बाद में सब नॉर्मल निकाल लेंगे, वाई वन सेक थीटा, वाई वन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो गया वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई वन अंडर रूट वन प्लस वन का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी टू और ये वैल्यू माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन रूट टू, मॉड लगा देंगे क्योंकि ये आपका बात कर रहा है लेंथ की तो रूट टू हो जाएगा, फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल सीधे सीधे y1 tan थीटा आंसर था, मतलब y1 dy by dx आंसर था, यानी y1 माइनस वन इंटू वन यानी आंसर हो गया वन, बात समझ में आ रही है, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया, ये तो एक सवाल हुआ। एक और सवाल आपके सामने फटाफट एक और सवाल लिखा, तब तक आप नोट कर लें इन सब चीजों को, आप नोट कर लें एक और सवाल। देखो अगला सवाल है लेंथ ऑफ, मान लो मैं आपके सामने ले रहा हूं, प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यही आपका आईआईटी का सवाल है, बताता हूं आईआईटी का सवाल कैसे आईआईटी ने पूछा अपने सवाल में, कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, मतलब जो सब नॉर्मल पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का जो पैराबोला होता है या जो पैराबोला का सब नॉर्मल होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट लंबाई का होता है चाहे कहीं भी खींच लो, तो इसका क्या मतलब हुआ कॉन्स्टेंट लंबाई का, तो पहले आपको क्लास इलेवेंथ के ज्योमेट्री याद करो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक पैराबोला खींचा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, दुनिया का कोई भी पॉइंट मानना होगा तो कोई पॉइंट हम मानते थे ए टी स्क्वायर कामा टू ए टी, यानी अपने पास एक्स वन वाई वन जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने मान लिया ए टी स्क्वायर कामा टू ए टी, याद करो कि आपका जब भी पैराबोला का कोई जनरल सा पॉइंट एनी पॉइंट एंड पैराबोला मानना पड़ता है तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं, ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के लिए पहले अपने को dy by dx चाहिए, तो dy by dx निकाला जाए, ये है y square equal to 4ax, तो जरा इसका dy by dx निकाला जाए, 2y dy by dx equal to 4a, यहां से dy by dx की वैल्यू आ गई 2a by y क्योंकि 2 से 2 कटा है यहां पे, और dy by dx at एटी स्क्वायर कामा टू ए टी हो जाएगा 2a बाई वाई, सब शानदार इतना हो गया, वाई नहीं नहीं वाई की जगह पे 2at और ये 2 से 2 कट गया 1 बाई टी हो गया, बहुत बढ़िया कोई बात नहीं बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ अब अपने से क्या निकालना है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या y1 tan थीटा, मतलब y1 dy by dx, y1 की वैल्यू देखो तो बच्चों यहां से y1 की वैल्यू देखो यहां पे लिखा हुआ है 2at, क्या लिखा है 2at, तो यह हो गया आपका y1 2at into dy by dx की वैल्यू आपने निकाला 1 by t, क्या निकाला 1 by t, तो यह हो गया 1 by t, कटा आंसर है 2a, क्या जो आपका वेरिएबल था पैरामीटर था वो हट गया क्या, और पैरामीटर का हटने का मतलब आपका कॉन्स्टेंट लंबाई आ गया 2a, और 2a आप जानते हो कि कॉन्स्टेंट होता है, आ रही बात समझ में। अब सुनो सिर्फ पैराबोला का ही लंबाई कांस्टेंट होता है अगर पॉलिनोमियल टाइप का है, तो आईआईटी ने सवाल क्या पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ एन, फाइंड वैल्यू ऑफ एन इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ वाई की पावर एन इक्वल टू फोर ए एक्स की पावर एन माइनस वन इज कांस्टेंट लेंथ। अब जरा सोच के बताओ कि किसका लेंथ कांस्टेंट होता है, किसके सब नॉर्मल की लंबाई कांस्टेंट होता है पैराबोला के, सवाल आईआईटी ने पूछा हुआ है, तो किसके
किसके सब नॉर्मल की लंबाई कांस्टेंट होती है, तो होती है पैराबोला की, और बोल रखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ये फोर ए की बजाय मान लो सिर्फ एक्स की पावर एन लिखा होता तो क्या होता, तो ये लिखा है तो किसके लंबाई कांस्टेंट होती है, ये होती है आपका पैराबोला का, तो ये इट मस्ट बी पैराबोला, इस मस्ट भी पैराबोला, और पैराबोला का मतलब यह होता है ना कि अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो एक की डिग्री टू और एक की डिग्री वन होना अनिवार्य है, एक की डिग्री टू और एक की डिग्री होना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है, तो यहां पे हम y की डिग्री टू तो x की डिग्री वन बन जाएगी, और x की डिग्री टू बनाएंगे तो n की वैल्यू तीन रखेंगे तो x की वैल्यू 2 बनेगी डिग्री, तो y की डिग्री 3 हो जाएगी, तो वो नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा यानी y की पावर n इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 मस्ट बी पैराबोला, और इसके लिए हमारे पास मजबूरी है कि n की वैल्यू 2 ही ले सकता हूं, क्योंकि और कोई इसमें आपका अप्लाई नहीं करेगा, n की कोई और वैल्यू लेंगे तो 1 की डिग्री 2 और 1 की डिग्री 1 मेंटेन नहीं रह पाएगी, बात समझ में आया, तो ये सवाल आईटी ने पूछ लिया, ये सवाल हमने करा दिया, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा और इस पे सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला सवाल है फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a साइन थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। सिर्फ पहला सवाल को देखेंगे, पहले सवाल पे अपन लोग बात करेंगे, बाकी दूसरे सवाल धीरे धीरे नोट करेंगे, धीरे धीरे आपको यूज करेंगे, पहले पहला सवाल नोट कर लो, क्या है फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू, यानी ये जो कर्व है ना ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो कर्व आपका जो कर्व दे रखा है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पहला जो कर्व दे रखा है वो है आपका x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट है यहां पे, और ये y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, और पैरामेट्रिक फॉर्म है और थीटा को लगा दिया है कि भाई पाई बाय 2 है, तो पहले पॉइंट तो निकाल लो बच्चे, पॉइंट निकाला, x इक्वल टू थीटा रखा तो a इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू क्या लिखे 1 हो गया, फिर आपको y की वैल्यू निकाला तो a, और ये कितना हो गया भाई a 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, मतलब a y की वैल्यू a आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार, तो आपका पॉइंट क्या आ गया ये भाई a पाई बाय 2 प्लस a कामा a, ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसका अपने को पहले dy बाय dx निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, चलो पहले dy by dx निकाल लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा चूंकि थीटा के टर्म में है y भी और x भी, तो इसको ऐसा लिखना हम पसंद करेंगे, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अच्छा, तो a से a पहले उड़ा, अब देखो आपको यहां से चमक जाना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, और ये आपका आया, यहां से ये कटा, और आपका 1 cos theta by 2 से 1 cos theta by 2 कटा, ये बच गया cos theta by 2, और बताओ x और y यूज करना चाहो तो वो यूज कर लो, या डायरेक्ट थीटा यूज करना चाहो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो dy by dx इक्वल टू आ गया 1। अब क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y1 अंडर रूट 1 प्लस, मतलब अब तो ये लिख सकता हूं ना डायरेक्ट कि बार बार y1 sec थीटा लिखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो ये y1 की वैल्यू कितना है भाई अपने पास, a है, y1 की वैल्यू कितना है पॉइंट का, a है, तो a अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी a रूट 2, बस खत्म सवाल। तो दूसरे नंबर के सॉल्यूशन पे बात करता हूं, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि फाइंड p सच दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू e की पावर px प्लस px किस पॉइंट पे एट 0,1 पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इक्वल है, लिखा है कि नहीं, इक्वल लिखा है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल है,
अच्छा तो जरा सब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है वाई वन, सब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है वाई वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू सब नॉर्मल की लंबाई क्या होती है वाई वन अपॉन वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना बच्चों, वाई वन से वाई वन कट गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, ठीक है, यहां से ना डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया जाए, ये हो जाएगा e की पावर पी एक्स इंटू पी प्लस पी एक्स, ठीक है ना, पी सिर्फ पी, और यहाँ किस किस पॉइंट पे निकालना है इसको, बोलो किस पॉइंट पे निकालने के लिए कह रहा है, जीरो कमा वन पे, इसे जीरो रखा तो ये e की पावर पी इंटू जीरो इंटू पी प्लस पी, यानी फाइनली हो गया ये टू पी, तो ये वैल्यू क्या हो गई टू पी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो पी स्क्वायर सॉरी टू पी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है ना, टू पी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये आ गया टू पी इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो पी इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, बस आंसर हो गया, ठीक है ना, प्लस माइनस हाफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का सवाल जो लिखा हुआ है वह कुछ लिखा है, आपका सवाल ये लिखा है कि यहां पे ऑर्डिनेट ऑफ वाई इक्वल टू, इसका जो भी ये ऑर्डिनेट है इसका इज ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये ऑर्डिनेट है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड अ क्वांटिटी, मैंने मान लिया कि जरा से लिख लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, तीसरे का सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है भाई, क्या हो जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल जरा बताओ, वाई वन, वाई वन अंडर रूट के अंदर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक बोला है क्वांटिटी, हमने मान लिया लेट क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो है कोई क्यू, क्यू क्वांटिटी आपकी है, और ऑर्डिनेट कितना है यहां पे, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है आपका ए बाई टू ई की पावर एक्स बाई ए प्लस e की पावर माइनस एक्स वाई टू, तो ये सब आपका ये ज्योमेट्रिक मीन में है, मतलब ये ऑर्डिनेट इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्या वैल्यू क्वांटिटी क्या होगी ये अपने को बताना है, बहुत बढ़िया, जरा dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए, अरे भाई ये ऑर्डिनेट का मतलब यही y की वैल्यू, dy बाई डी एक्स ए बाई टू ई की पावर एक्स बाई ए इंटू वन बाई ए प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई ए ही होगा, माइनस एक्स बाई ए इंटू वन बाई ए, देखो पहले ही मैंने ये वाला माइनस लगा दिया यहाँ पे, ए बाई ए से ए कट गया, आपके सामने आया ई की पावर एक्स बाई ए प्लस सॉरी माइनस ई की पावर ए माइनस एक्स बाई ए अपॉन टू, ये बात पहले आ गई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और देखो एक जगह हमें इसका होल स्क्वायर यूज करना है तो हम निकाल लेते हैं ताकि सबसे आसान रहेगा डायरेक्ट यूज करने में, ये होल स्क्वायर किस पॉइंट पे कहा है, कहीं नहीं कहा, डायरेक्ट अपन लेके चलेंगे, होल स्क्वायर अगर इसका जो हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ई की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ई की पावर एक्स टू एक्स बाई ए प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स बाई ए, ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर माइनस टू अपॉन नीचे में फोर, ठीक है ना, इतना हो गया अपने पास। अब जरा सर इसको सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन लगा देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, तो वाई वन या वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में सब अंडर रूट में नॉर्मल की लंबाई इंटू क्वांटिटी क्यू, यानी वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ओहो क्या बात है, इसकी जरूरत ना पड़ती क्या, वह इसका ये हो गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्मल इंटू कोई क्वांटिटी, y1 का स्क्वायर मतलब वही आपका a स्क्वायर बाई फोर, और ये हो गया e की पावर x बाई ए प्लस e की पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल कितना है y1, मतलब यही का वही, अच्छा तो ठीक है काम कर लेते हैं ना, y नॉर्मल का मतलब ये y1, अभी थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू रखते हैं तो आसानी रहेगी, ये y1 का स्क्वायर नॉर्मल है y1, और आपका अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू क्यू, ठीक है, या ये अंडर रूट तो हट गया तो ये अंडर रूट में सिर्फ इतना वाला पोर्शन इंटू क्यू। अब जरा देखो एक y1 से y1 कट गया और y1 की वैल्यू आ गई आपकी a बाई टू
e की पावर x बाई ए प्लस e की पावर माइनस x बाई ए। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों यहां पे आपका ये 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पूरा एकदम अच्छे से लिख रहा हूं, क्या e की पावर x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई 4 इंटू क्यू, तो अभी भी अपने पास वही है a बाई 2, जरा ध्यान से देखो बच्चों e की पावर माइनस एक्स बाई ए। अब ये देखो मैं यहाँ पे एलसीएम लिया अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एलसीएम लिया तो ये हो गया चार, यहाँ पे आ गया चार फोर माइनस टू, क्या डायरेक्ट लिख दूं क्या e की पावर एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस टू आ गया क्या, और बताओ तो ये प्लस टू क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि e की पावर x बाई ए प्लस e की पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, ऊपर में लिखा है नीचे में 4 है इंटू क्यू, बाहर में है ये, अब जरा बोलो तो ये बाहर से क्या ये निकल के क्या बन जाएगा e की पावर, क्या अंडर रूट से हट जाएगा क्या ये माइनस एक्स बाई ए बाई टू, सिर्फ ये बच जाएगा इंटू क्यू, और ये आज भी है ए बाई टू ई की पावर एक्स बाई ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। देखो ये इसको पूरा काट दिया, टू को पूरा टू काट दिया, क्यू की वैल्यू आ गई सिर्फ और सिर्फ ए, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, ये बात समझ में आए कि नहीं कि क्यू आपका ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या मतलब, क्या मतलब पता चला कि इसका ए आंसर आ गया, ए आंसर आया, जरा देखो तो ए क्या है, जरा इधर देखो तो जरा एक्स की वैल्यू जरा जीरो पुट करो, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, क्या ये आपका ए ही निकल के आ रहा है, क्या ये वन प्लस वन कट गया ए निकल के आया, यानी ऑर्डिनेट आपका एक्स इक्वल टू जीरो पे ऑर्डिनेट, कुछ खास नहीं पता चला। चलो कुछ और आगे हम सर इसके बारे में डिस्कशन निकालते हैं, यानी कुछ और बातें इसके अगर इसके बारे में की जाए, जैसे